संभाल के रखे है ना। हेलो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं नाइट के 9:30 और हम लोगों की हो गई है, हम लोग जा रहे हैं कहीं। सस्पेंस है ये, आपको बाद में जाके पता चलेगा। और ये देखिए बैठ गए हैं यहाँ पर अंधेरे में और हस्बैंड को जो चखना के साथ दारू पी रहे हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं, फिर मिलते हैं। मेरी चप्पल फेंक दी इन्हें, करोगी फ्लाइट की पहन लो मेरी वाली, बड़ी है वो चप्पल, ये क्या टूटेगी। हमारा स्टेशन कैसे पड़े हैं, कैसे पड़े हैं ढेर सारे, कैसे बाल मान हो गए तुम्हें पहले महाकाल के दर्शन कर लो। ये देखो पापा को देखो। अब हम लोग निकल आए हैं स्टेशन से बाहर। स्टेशन के अंदर का आपने मेरा व्यू देखा होगा, मैंने थोड़ा सा दिखाया था, पब्लिक सो रही थी स्टेशन पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महाकाल की नगरी उज्जैन है और यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए, इसमें इतने सारे तोते हैं, तो हम वही देख रहे थे। और आटू का भी वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए बेटी आप लोगों को हाई कर रही है यहाँ पर, और बेटा देख रहा है कितने दूर है गूगल मैप में यहाँ से रामघाट। हम लोग जाएंगे अभी रामघाट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तोते का पेड़, इसमें काफी तोते थे, मतलब हजारों की संख्या में तोते बैठे हुए थे। ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हैं, उनमें भी तोते बैठे थे। और यहाँ पर बैठ चुके हैं हम ऑटो में। ऑटो यहाँ पर नाइट में थोड़ा महंगे मिलते हैं, वैसे पास ही में है रामघाट, बट हम लोग पैदल नहीं चलना चाहते थे इसलिए बैठ गए। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं रामघाट पे। और हस्बैंड देखिए डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पर, हस्बैंड को बड़ा शौक है पानी में नहाने का। ये गंदा पानी था, नहाने लायक नहीं था, क्योंकि ये रुका हुआ पानी, इसमें नालियां बह रही हैं और घाट पे तो इतनी गंदगी थी कि देखते ही नहीं बन रही थी। और यहाँ पर मैंने भी थोड़ी सी डुबकी लगा ली, बट सर के ऊपर से नहीं नहाया मैंने। वैसे बोलते गंगा जी में जाते तो घिनियाना नहीं चाहिए, बट क्या होता त्वचा रोग हो सकते है गंदे पानी में नहाने से। अब हम लोग नहा के बाहर आ चुके हैं, कपड़े चेंज कर लिए मैंने यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से कपड़े चेंज करने के लिए थोड़ी सी जगह मिली थी, क्योंकि इतनी गंदगी थी वहां पे कपड़े चेंज भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है महाकाल के दर्शन के लिए, तो हम लोग यहाँ पर लाइन के लिए जा रहे हैं पीछे, क्योंकि बीच में कोई लगने नहीं दे रहा था हमको। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं लाइन में लग के महाकाल लोक की नगरी अंदर। और जो आप देख रहे हैं बैरिकेड्स, इसके अंदर ही अंदर चलना होता है और हम लोग जा रहे हैं अंदर ही अंदर। भीड़ भाड़ है, आप देख रहे होंगे भीड़ बहुत थी, लाखों की संख्या में भीड़ थी। लोग इतनी धक्का मुक्की कर रहे थे कि यदि एक धक्का लगेगा तो कई लोग है ना कुचल जाएंगे और मर जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे हादसे होते, लोग रुकते भी नहीं है। मैं तो दब गई थी एक जगह पे, क्योंकि मुझे सांस लेने नहीं बन रही थी और घबराहट हो रही थी। यहाँ पे अंदर का व्यू इतना सुंदर है, मैं ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, नाइट थी थोड़ी और मेरे मोबाइल में सही से वीडियो नहीं आते हैं यहाँ पर। और मुझे वॉइस ओवर इधर भी करना पड़ रही है, क्योंकि काफी शोर होता है यहाँ पर। और हस्बैंड देखिए फोटो खिंचा रहे हैं, हम लोग महाकाल के दर्शन करके बाहर निकल आए, क्योंकि वहां फोटो नहीं लेने देते, इसलिए मैंने फोटो नहीं लिए। और हम यहाँ पर आ चुके हैं मंदिर में, यहाँ पे हमको कराना था बच्चों के नवग्रह की पूजा, इसलिए हम लोग इस मंदिर में आ गए हैं यहाँ पर। और हस्बैंड देखिए हर कहीं डांस करने लगते हैं, और देखिए यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा था, तो हम लोगों ने भी उसमें भाग ले लिया। अब काफी लोग पूजा करवा रहे थे, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ी सी पूजा करवा ली है। अच्छा रहता है, पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए। तो हम ही चारों लोग ने यहाँ पर बैठ के पूजा कर ली थी। मैं थोड़ा सा सामान उठाने चली गई थी वहां पर, और वीडियो थोड़ा सा मैंने किसी को पकड़ा दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा भैया हमारा वीडियो बना लो। और यहाँ पे आपको मैं नहीं दिख रही हूँ, मेरे हस्बैंड और बच्चे ही दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर काफी शोर हो रहा था, तो मुझे इस वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ रही है। पूजा पाठ समाप्त हो चुकी है, अब हम लोग आ चुके हैं बाहर, थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे, क्योंकि हमने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया। 2-3 मंदिर हमने घूमे और अब जाएंगे हम वापस, क्योंकि बच्चे लोग ज्यादा मंदिर घूमना नहीं चाहते, थक चुके हैं। जब हम लोग नाइट में ट्रेन में आए, हमारा रिजर्वेशन था, फिर भी है ना इतनी भीड़ थी कि हमारे रिजर्वेशन वाले डब्बे में जनरल वाले घुस गए थे, तो हम लोगों को सोने ही नहीं दिया उन लोगों ने।